is with you. Welcome or welcome back to my channel. So, आज की वीडियो होने वाली है one of my favorite videos because मैंने actually बहुत सारे videos में mention भी किया है that I don't just like bottom wear, okay? I am obsessed with bottom wear. मेरे channel पर already एक bottom wear collection मेरा बना हुआ है but मैंने सोचा कि summers चल रहे हैं and summers में obviously trends, fabrics and styling काफी ज्यादा अलग होती है. So, आज के वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ. हम साइजिंग, फैब्रिक्स, स्टाइलिंग, कौन से आपको ब्रांड से खरीदना चाहिए, कौन से ब्रांड से आपको नहीं खरीदना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द कूलेस्ट ट्रेंड ड्यूरिंग समर्स व्हिच इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द इंटरनेट व्हिच इज कार्गो जीन्स एंड कार्गो ट्राउजर्स. अभी दीज आर सो इन ट्रेंड राइट नाउ. जो मैंने पहने हैं आर एक्चुअली फ्रॉम H&M इन द कलर ऑलिव and I absolutely love these. I bought it last year and अभी इसका प्राइस थोड़ा सा कम भी किया है लोग ने. सो H&M के आप पे ना अभी आप जाओगे ना तो आपको दो टाइप के ट्राउजर्स मिल जाएंगे, लाइक ये जो कार्गो ट्राउजर्स है ना, एक जो है ना लो वेस्ट है. गाइज मेक श्योर यू डोंट बाय दैट. इसकी लिंक मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी बट मेक श्योर कि आप रेगुलर वेस्ट या हाई वेस्ट या जैसा वेस्ट आप प्रेफर करते हो आप वैसा वाला खरीदो. बट आई प्रेफर हाई राइज एंड मैंने देखे बहुत सारे कार्गो ट्राउजर्स जो वेस्ट से ना काफी लूज भी होते हैं. सो मैं वो एंजॉय नहीं करती हूँ. मैं कोई भी बॉटम वेयर खरीदती हूँ ना थोड़ा फिटेड पहने का ट्राई करती हूँ बिकॉज दैट एनहांसेज माई बॉडी टाइप. एंड मैंने ये वाला भी जो खरीदा था ना वो सो लकी दैट ये मुझे लूज नहीं थे. आप जैसे कि देख सकते हो ट्रायल पार्ट में मुझे परफेक्टली फिट होते हैं. टॉकिंग अबाउट द साइजिंग, मैंने इसमें साइज खरीदा है 36 एंड माई वेस्ट साइज इज 28 फॉर योर रेफरेंस एंड माई हाइट इज 5'4" सो यू कैन बाय अकॉर्डिंग टू दैट. ये मुझे एकदम ही परफेक्ट लगते हैं फॉर माई हाइट. इनफैक्ट मेरी हाइट भी इसमें एनहांस होती है, मैं काफी टॉल भी लगती हूँ. इसमें आपको बहुत सारे पॉकेट्स मिल जाते हैं लाइक एनी अदर कार्गो ट्राउजर्स दैट यू गो. ऑल्सो इसमें कलर्स भी आपको 5 या 6 डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे. अभी लोगों ने पॉप कलर्स भी ऐड किए हैं बट आई विल आस्क यू टू गो फॉर ऑलिव, ब्लैक, ग्रे और बेज ओनली बिकॉज देन यू विल बी एबल टू पेयर इट विथ एनीथिंग दैट यू वॉन्ट. मूविंग ऑन टू कार्गो जीन्स, अभी मेरे पास दो डिफरेंट ऑप्शन है आपके लिए एंड दोनों अलग अलग ब्रांड से है. अभी मैं आपको बोलने वाली हूँ जो चीज जिसमें बहुत सारे लोग थोड़े से शॉक्ड होंगे. सो ये वाली लाइट ब्लू वाली है ना वो ऑफ ड्यूटी से मैंने ली है एंड डार्क ब्लू वाली H&M से ली है. एंड आई नो दैट बहुत सारे लोग शॉक्ड होंगे बट ऑनेस्टली इनकी क्वालिटी में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है. लाइक दोनों की क्वालिटी इज टॉप नॉच. लाइक सिर्फ एक पॉइंट है जो मैं आगे आपको कवर करूंगी उसमें डिफरेंस है बट फैब्रिक क्वालिटी, द हैवीनेस ऑफ द फैब्रिक, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी हैवी होती है ना, मुझे डेनिम्स थोड़ी हैवी पसंद है बिकॉज फिर उनकी फैब्रिक ऑब्वियसली थिक है ऐसे हमें पता चलता है. सो इन दोनों की क्वालिटी बहुत ही सिमिलर है एंड इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर अ व्हाइल यू नो दैट आई लव H&M. सो मैं कोई भी ब्रांड को ऐसे कंपेयर नहीं करती हूँ विद H&M बिकॉज आई काइंड ऑफ फाउंड माई स्टाइल विद H&M. मैं जब से H&M से कपड़े खरीदने लगी तब से मुझे लगा कि मे बी आई एम इन टू मिनिमल फैशन एंड ऑल ऑफ दैट. यू कैन गो अहेड एंड बाय एनी ऑफ दीज. सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ऑफ ड्यूटी वाली आई गेस इज आउट ऑफ स्टॉक राइट नाउ. उसमें भी मेरा साइज है 28 एंड ये वाले में मेरा साइज H&M वाले में मेरा साइज है 36. कमिंग बैक टू द ओनली पार्ट कि ऑफ ड्यूटी वाली मुझे थोड़ी सी लूज हो रही है बट प्राइस में मैंने ना जब भी खरीदा था मुझे ना ऑफ ड्यूटी वाली 1500 की पड़ी एंड ये वाली आपको H&M के आप पे 2000 की पड़ रही है. गाइज आई नो दैट थोड़े महंगे है चीजें, आई अंडरस्टैंड दैट बट इट्स ऑल्सो लाइक दीज आर ट्रेंडी पीसेज. अभी जब भी हम खरीदने जाएंगे मोस्ट ऑफ द पीपल आर बाइंग दीज सो ऑब्वियसली उनके प्राइसेस आपको ज्यादा लगेंगे. ऑल्सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये सारी आइटम्स खरीदो, जब जब आपको लगे कि इन्वेस्ट करना चाहिए आपको तब आप खरीदो. जैसे कि मैंने अपने कार्गो ट्राउजर्स एंड लिनन पैंट्स प्रीवियस ईयर खरीदे थे एंड वो अभी भी ट्रेंड में है बिकॉज समर ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी. एंड कार्गो जीन्स मैंने इस साल खरीदे हैं सो आई हैव ऑल्सो मेड वेरी वाइज डिसीजंस कि एक साथ में सारा अपना पैसा नहीं स्पेंड करना चाहती हूँ एंड यू शुड ऑल्सो डू द सेम. एंड आई फील कि अगर आप ट्राउजर ज्यादा पहनते हो तो आपको ट्राउजर में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड अगर आप जीन्स ज्यादा पहनते हो तो आपको जीन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. अगेन इसमें दोनों में आपको काफी ज्यादा पॉकेट्स मिल जाते हैं एंड कलर में डेफिनेटली डिफरेंस है. ये वाला थोड़ा वॉश्ड वाला है, ये लाइट ब्लू मैंने खरीदा है. इसमें ना कोई तो कूपन कोड भी था जिसकी वजह से मुझे 500 या कुछ ऑफ मिल गया था. सो वो वाले पे मैं कूपन कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. मूविंग ऑन टू अनदर फैशन ट्रेंड विच इज लेनिन पैंट्स. अभी लेनिन पैंट्स ज्यादा लास्ट ईयर मैंने देखा था लोगों को पहनते हुए, इस साल ज्यादा लोग कार्गो पहन रहे हैं बट आई वुड स्टिल वॉन्ट टू फॉलो लेनिन पैंट्स बिकॉज दीज आर काइंड ऑफ द कम्फीएस्ट पेयर ऑफ ट्राउजर्स इन माई वॉर्डरोब एंड आई स्टिल गो अहेड एंड वेयर दीज. अभी मेरे पास दो ऑप्शन है इसमें, एक तो प्रिंटेड वाला है एंड एक सॉलिड कलर में है. सो मैंने लास्ट ईयर ये वाले खरीदे थे एंड लास्ट ईयर इसका प्राइस कम था, इट वॉज फॉर 1499 एंड इस साल इसका प्राइस लोगों ने बढ़ा दिया है, इट्स 1799 एंड आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड द हाइप बिहाइंड इट बिकॉज दीज आर
लाइक द मोस्ट कम्फीएस्ट पेयर ऑफ ट्राउजर्स दैट यू विल ऑल्सो ओन. यू विल टेल मी इन फैक्ट कि अगर आपने खरीदा भी ना, आप लोग मुझे बोलोगे कि ये बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है. इसमें ना बहुत सारे कलर्स भी लोगों ने एड ऑन किए हैं. मैंने ये कलर लिया है, मैं यही कलर लोगों को सजेस्ट भी करती हूँ क्योंकि ये सारे इसके साथ जाता है. एक प्रॉब्लम है, इसको बहुत इस्त्री करना पड़ता है. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस्त्री कर लेती हूँ बट स्टिल ऐसा लगता है कि कभी कभी यू नो इस्त्री वाले से कराओ वो बेटर होगा, या स्टीम, अगर स्टीम आया ना आपके पास तो उससे तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज लेनिन ब्लेंड. एक्चुअली इट्स नॉट लेनिन बट दीज आर एक्चुअली मोर सॉफ्ट. इसमें ना सिर्फ एक मुझे ड्रॉबैक लगा कि मुझे ना वेस्ट से हल्का सा लूज हो रहा है. एंड ये जो अगर आप लेंथ भी देखोगे ना मेरी लेंथ के हिसाब से दिस इज नॉट परफेक्ट. लाइक मुझे ना आदत है थोड़े लॉन्ग पहनने के, तो ये मैं इसमें ना मेरा थोड़ा सा एंकल दिख रहा है एंड आप ट्राई ऑन पार्ट में भी वो विजिबल होगा काफी ज्यादा. बट इसकी लेंथ काफी ज्यादा मुझे परफेक्ट लगी. प्राइसिंग में भी काफी डिफरेंस है. दिस फॉर 1299 एंड दिस इज नाउ फॉर 1799. दोनों में मेरा साइज है स्मॉल एंड इसमें आपको स्ट्रिंग मिल जाते हैं आगे जिससे कि आप इसको टाइट कर सकते हो. इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है आपको, इससे स्ट्रेचेबल ये वाला जो होता है ना वो वाला फैब्रिक मिल जाता है. ये आप लिटरली ट्रैवल लुक में पहन सकते हो, बीच पे जा रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो और कॉलेज जा रहे हो उसमें भी आप ये पहन सकते हो. ये सॉलिड वाला तो डेफिनेटली आप कोई भी टॉप के साथ शर्ट के साथ पेयर अप कर सकते हो. बट ये प्रिंटेड वाले ना इसमें एक चीज है जो आपको नहीं करनी है, प्रिंट ऑन प्रिंट मत पहनना गाइस, इतना अच्छा नहीं लगता है. आपको सॉलिड कलर्स पहनने चाहिए जैसे कि मैंने ट्राई ऑन पार्ट में भी बताया है. मैंने एक पॉप कलर के साथ भी इसको स्टाइल करके बताया है एंड ब्लैक के साथ तो ये बहुत अच्छा लगेगा. ब्लैक एंड व्हाइट इसमें ऑलरेडी है, इसके साथ तो बहुत ही अच्छा लगेगा. एंड पिंक या ऐसे पॉप कलर्स भी आप उसके साथ पेयर अप कर सकते हो. बट मेक श्योर कि आप अपनी हाइट के हिसाब से ये वाला खरीदना क्योंकि ये मुझे भी थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है. मूविंग ऑन टू जॉगर्स, अभी आई नो दैट दिस इज नॉट लाइक अ फैशन ट्रेंड, ये हमेशा से इन ट्रेंड रहे हैं. एंड मैंने जस्ट ये धोने से लेके आई हूँ क्योंकि मैंने इसे धोने डाल दिया था. मैंने आज इसको जिम में पहना था. अब इफ यू आर समवन हु वर्क्स आउट, इफ यू आर समवन हु इज इन कॉलेज, इफ यू आर समवन हु ट्रैवल्स अ लॉट, यू आर गोइंग टू लव दीज जॉगर्स. बहुत ही कम्फर्टेबल मटेरियल लोगों ने दिया हुआ है एंड दिस इज अगेन फ्रॉम H&M. मोस्ट ऑफ माई ट्राउजर्स आर फ्रॉम H&M बट इस साल मैंने काफी और ब्रांड्स भी ट्राई किए हैं जैसे कि फ्री किंग्स, ऑफ ड्यूटी एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई स्टिल प्रेफर बाइंग फ्रॉम H&M क्योंकि मुझे उनकी फिट एंड साइजिंग बहुत अच्छे से पता है अपनी. कमिंग बैक टू दीज जॉगर्स, दीज आर इन द कलर ब्लैक. अभी ब्लैक मैंने क्यों खरीदा था मैं आपको बताती हूँ. मैंने जब ये खरीदा था ना तभी मैंने सोचा था कि मैं ये मोस्टली इसको जिम में पहनना चाहती हूँ, उसके लिए मैं ये खरीद रही हूँ. एंड आई विल टेल यू दैट दैट इज द बेस्ट डिसीजन दैट आई मेड बिकॉज जब आप जिम में जाते हो ना गाइज, इट इज बेटर टू हैव लाइक अ डार्क कलर टाइट्स और बॉटम वेयर इफ यू आर वेयरिंग. बिकॉज यूजली जब हम जिम में जाते हैं ना वेन यू बेंड या कुछ ना वो कैमल टो दिखता है थोड़ा बहुत, एंड ब्लैक कलर या ऐसे डार्क कलर्स में ना नहीं दिखता है. आई डू हैव लाइट कलर टाइट्स ऑल्सो बट मैं जब भी वो पहनती हूँ ना मैं थोड़ी बहुत कॉन्शियस रहती हूँ. सो इफ यू आर समन वर्क्स आउट एंड ट्रेवल्स अ लॉट आई थिंक यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय दीज. अभी H&M की वेबसाइट पर आपको दो तरह के जॉगर्स मिल जाएंगे, एक तो ये वाला है जो मैंने पहन के भी दिखाया है, दूसरे वाले वाइड लेग है. अभी ऑनेस्टली मैं जीन्स एंड ट्राउजर्स सब में प्रेफर करती हूँ वाइड लेग. बट एक चीज है ऐसी जिसमें आपको बोलूंगी कि आपको वाइड लेग नहीं लेने चाहिए, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग आउट, इफ यू गो फॉर अ जॉग एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ना थोड़े से पैर में आते हैं एंड वो थोड़े से ज्यादा लंबे होते हैं इन जनरल. सो मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगी. बस उसमें आई थिंक आपको 4 different colors मिल जाते हैं, इसमें आपको ज्यादा कलर्स मिल जाते हैं. इसमें आपको 10 to 12 different colors मिल जाते हैं विच आई फील इज अमेजिंग. बट आई फील दैट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ डार्कर कलर ओनली एंड आई एम वेयरिंग दिस साइज स्मॉल इन दिस वन. मूविंग ऑन टू अनदर कैटेगरी जो मैंने एक्चुअली पहले सोचा था कि मैं इंक्लूड नहीं करूंगी, बाद में मैंने ऐसे नोट्स बनाती हूँ ना उसमें फिर मैंने इंक्लूड किया कि इसमें मुझे एक कैटेगरी है जैसे कि स्कर्ट्स, शॉर्ट्स एंड बाइकर शॉर्ट्स, ये सारे भी इंक्लूड करने चाहिए. बिकॉज इफ आई सी माई स्टाइल आई लव वेयरिंग स्कर्ट्स ऑल्सो एंड समर्स में तो बहुत सारे लोग स्कर्ट्स एंड शॉर्ट्स तो बहुत ज्यादा पहनते हैं. सो सबसे पहले हम डेनिम शॉर्ट्स एंड स्कर्ट्स के बारे में बात कर लेंगे. जो मैंने पहना है ना ये मैंने खरीदा है फ्रॉम अर्बैनिक. दिस इज नॉट एक्चुअली अ स्कर्ट, दीज आर शॉर्ट्स एंड अंदर से शॉर्ट्स एंड बाहर से स्कर्ट दिखता है. जैसे कि हमारे स्कूल में था मुझे याद है डिवाइडर स्कर्ट करके बोलते थे, पीछे से ना शॉर्ट दिखते थे एंड आगे से स्कर्ट दिखती थी, वैसा सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है. एंड स्कर्ट्स भी है जो पिंक वाले मैंने स्क्रीन पे लगाए वो ज्यादा से मैंने खरीदे है. एंड मैंने स्कर्ट्स इतने ज्यादा ढूंढे हैं मुझे कोई भी वेबसाइट पे नहीं मिले, नॉट इवन H&M. एंड ये वाले भी मैंने सेल के टाइम खरीदे थे, जब उनकी दिसंबर या जनवरी में जब सेल आई थी तब मैंने इसको 1500 या 1200 में कुछ खरीदा था. एंड आई एम सो ग्लैड आई गॉट दीज, दीज आर एक्चुअली वेरी हाई क्वालिटी. ऑब्वियसली ज़ारा की क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है. एंड यू ऑल्सो गेट रैप स्कर्ट्स जिसके बारे में मैंने अपने समर मस्ट हैव्स वाले वीडियो में भी बात की थी कि अगर आप बीच वीच जा रहे हो ना तो ये खरीदना बनता है, या अगर आप पार्टीज काफी अटेंड करते हो तो वहां पे ये पहन सकते हो क्योंकि शाइनी सैटिनी सॉर्ट ऑफ मटेरियल है इसका. नाउ वन थिंग दैट बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पहनते हैं विच आर शॉर्ट्स. अभी जो आप व्हाइट वाले शॉर्ट्स देख रहे हो आर अगेन फ्रॉम H&M. एंड रिसेंटली जो H&M की सेल चल रही थी ना
उसमें ये वाले शॉर्ट्स सेल पे थे फॉर 800 रुपीज, विच आई फील इज अमेजिंग. बट ये वाले शॉर्ट्स मैंने लास्ट ईयर खरीदे थे. सो इफ यू सी कि मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स अलग अलग टाइम पे इन्वेस्ट किए, बट दे अगेन कम बैक इन ट्रेंड एंड दैट्स वाई यू शुड मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर चॉइस बिकॉज दीज आर डेफिनेटली कॉस्टली. आई विल नेवर से दैट दीज आर अफोर्डेबल या जो भी है, बट इफ यू बाय दीज विल लिटरली लास्ट यू फॉर सो सो लॉन्ग. सो मेक अ बेटर चॉइस. अभी और एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि इतना वो पहनते ही नहीं है स्कर्ट तो खरीदनी क्यों है, विच आई फील इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अगर आपके पास स्कर्ट नहीं है तो आप अपनी ड्रेस को स्कर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड उसकी वीडियो मैं हैक वाली अपने स्क्रीन पे लगा दूंगी. मैंने अपने शॉर्ट्स पे भी एंड इंस्टाग्राम पे भी अपलोड की थी, बट दिस इज लाइक द बेस्ट हैक. एंड अगर आपको स्कर्ट नहीं खरीदनी है आप डेफिनेटली ये वाला हैक कर सकते. एक और पॉइंट मैं डेफिनेटली डिस्कस करना चाहती थी. सो मैंने बहुत सारे ब्रांड्स ट्राई किए इस साल, तो मैंने और न्यू ब्रांड्स भी ट्राई किए. तो उसमें से ना सिर्फ एक ब्रांड है जिनकी साइजिंग मुझे थोड़ी ऑफ लगी, विच इज फ्रिकिंग्स. उसमें से मैंने खरीदा है एक दो जीन्स की अच्छी थी साइजिंग, बट कुछ कुछ की मुझे बहुत ज्यादा लूज थी. तो उसमें अगर आप खरीद रहे हो तो आपको साइज डाउन करना चाहिए. आई फील आप ऑफ ड्यूटी से अर्बैनिक से H&M से डेफिनेटली बॉटम वेयर खरीद सकते हो, एंड दैट इज माई सजेशन टू यू. एंड मैंने और एक चीज की है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना अफोर्डेबल आइटम्स के भी लिंक्स डाल दूंगी जो इनके जैसे दिखते हैं, थोड़े से ज्यादा अफोर्डेबल है. सो यू कैन गो अहेड एंड बाय दैट ऑल्सो. एंड अगर आपको मेरे ट्राउजर्स एंड जीन्स का कलेक्शन देखना है तो उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एंड अगर आपके पास कार्गो पैंट्स है तो अपने वो कहां से खरीदे मुझे डेफिनेटली जानना है इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. सो मेक श्योर यू लेट मी नो. एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो. बाय.